दोस्तों इस वक्त की बेहद बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जहां पर दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से करारी हार मिलने के बाद महेंद्र सिंह धोनी ने किया ऐसा काम जीत लिया करोड़ों लोगों का दिल हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट देखो जी में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आई पी का पच्चीसवा मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया और दोस्तों इस मुकाबले को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने शानदार तरीके से जीत लिया इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को करारी हार का सामना करना पड़ा है जी हां दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स के करारी हार के बाद महेंद्र सिंह धोनी ने अपने बल्ले से ऐसा काम किया है जिसे देखकर आप भी ज्यादा खुश हो जाएंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी तरह से विस्तार से बताएंगे लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक महान खिलाड़ी मानते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करे दोस्तों आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ एक लाइक का है तो दोस्तों अभी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करे और दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखे तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों आईपीएल 2020 का 25वां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच खेला गया दोस्तों यह मुकाबला दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टीम के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया दोस्तों टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टीम की शुरुआत कुछ खास नहीं रही जी हाँ दोस्तों बैंगलोर के सलामी बल्लेबाजों ने कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया दोस्तों आप सभी को बता दें कि बेंगलोर की टीम ने पहले छह ओवर के पावर प्ले में दो विकेट के नुकसान पर 26 रन बनाए दोस्तों सलामी बल्लेबाज देवदत्त पडिकल ने 34 गेंदों में तैतीस रन बनाकर आउट हो गए तो वहीं पर दोस्तों एरन फिंच महज दो रन बनाकर पवेलियन लौट गए उसके बाद दोस्तों बेंगलोर की पारी को कप्तान विराट कोहली ने संभाला नंबर चार पर उतरे ए बी डी भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए दोस्तों वाशिंगटन सुंदर भी दस गेंदों में दस रन बनाकर आउट हो गए उसके बाद दोस्तों बेंगलोर की तरफ से यहाँ पर कप्तान विराट कोहली ने शानदार प्रदर्शन किया और अकेले ही मैदान पर लड़ते रहे दोस्तों कप्तान विराट कोहली ने शानदार तरीके से बल्लेबाजी करते हुए बावन गेंदों में छक्कों की की मदद से रन बेहतरीन पारी खेलकर नाबाद रहे तो वहीं पर दोस्तों ऑलराउंडर खिलाड़ी शिवम दुबे ने चौदह गेंदों में एक छक्की की मदद से बाईस रन बनाए दोस्तों बेंगलोर की टीम ने बीस ओवर के पारी में चार विकेट के नुकसान पर एक रन बनाए दोस्तों एक रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी चल चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की शुरुआत भी कुछ खास नहीं रही जी हाँ दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स के सलामी बल्लेबाजों ने फिर से एक बार चेन्नई की टीम को निराश किया पहले छह ओवर के पावर प्ले में चेन्नई की टीम ने दो विकेट के नुकसान पर छब्बीस रन बनाए दोस्तों सलामी बल्लेबाज शेन वाटसन ने अठारह गेंदों में चौदह रन बनाए तो वहीं पर आउट हो गए तो वहीं पर दोस्तों फाफ टू प्लेसेस भी मात्र आठ रन बनाकर पवेलियन लौट गए उसके बाद दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स के पारी को अम्बाती रायडू और जगदीशन ने संभाला दोस्तों अम्बाती रायडू ने शानदार तरीके से बल्लेबाजी करते हुए चालीस गेंदों में 42 रन बनाए तो वहीं पर दोस्तों यहीं पर जगदीशन ने 33 रन की बेहतरीन पारी खेलकर आउट हो गए उसके बाद दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया और 10 रन बनाकर यहां पर आउट हो गए दोस्तों उसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स का कोई भी बल्लेबाज मैदान पर टिकने का नाम नहीं ले रहा था और जल्दी अपने विकेट भी गवाते जा रहा था चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम ने 20 ओवर के पारी में 8 विकेट के नुकसान पर 132 रन बनाए इस तरह से बेंगलोर की टीम ने इस मुकाबले को सैंतीस रन से जीत लिया और पॉइंट टेबल में दो अंक भी प्राप्त कर लिए दरअसल दोस्तों बात ऐसी है कि की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ महेंद्र सिंह धोनी ने कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया जिसकी वजह से चेन्नई की टीम को हार का सामना भी करना पड़ा है दोस्तों धोनी के इस प्रदर्शन से करोड़ों फैंस उन पर नाराज हैं। हालांकि मुकाबला हारने के बाद भी धोनी ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जिसे देखकर आप भी काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे जी हाँ दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो हर मुकाबले में कुछ ना कुछ रिकॉर्ड तो जरूर बनाते हैं और इस बार भी धोनी ने कुछ ऐसा ही कमाल किया है दोस्तों धोनी ने टी क्रिकेट में छक्के पूरे कर लिए हैं जी हाँ दोस्तों आप सभी को बता दी कि, कि कल के मुकाबले में धोनी ने बहुत बड़ी पारी नहीं खेली है दोस्तों आप सभी को बता दी कि, कि कल के मुकाबले में धोनी ने महज छह गेंदों में एक छक्के की मदद से दस रन बनाए लेकिन दोस्तों युजवेंद्र चेहरा की गेंद पर उन्होंने एक खतरनाक छक्का लगाया था उसके बाद दोस्तों टी ट्वेंटी क्रिकेट में अपने आई पी एल के करियर की बात करें तो अब तक आई की इतिहास में एक सौ मुकाबले खेले हैं जिसमें उन्होंने 4,544 रन अपने बल्ले से जोड़े हैं दोस्तों एक के स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने बल्लेबाजी की है और दोस्तों टी क्रिकेट में धोनी ने 300 सौ बनाए हैं तीन छक्के पूरे कर लिए हैं ऐसे में दोस्तों पता चलता है, कि एक खतरनाक है और उनकी काबिलियत तो दोस्तों, मतलब दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और दोस्तों आईपीएल से जुड़ी हर खबर पाने के लिए अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों उसके बाद घंटे वाले बेलाइकन को जरूर दबाए तो चलिए दोस्तों आज के में बस इतना ही